अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बड़ी देर तक और लंबी उम्र तक चलती रहे। वजह यह है कि कभी तालाब सूखेंगे तो फिर सुरखाब रोएंगे, कभी तालाब सूखेंगे तो फिर सुरखाब रोएंगे, मगर जब हम जुदा होंगे बहुत अहबाब रोएंगे, मगर जब हम जुदा होंगे बहुत अहबाब रोएंगे। बिजनौर वेलफेयर सोसाइटी के सदर और सिर्फ दिल्ली नहीं, नूरपुर नहीं, मालेगांव नहीं, बल्कि बहुत जगह फजल रहमान अंसारी साहब को मुशायरों का इनेकाद करना, नशीदों का इनेकाद करना और दोस्तों का एहतराम करना ये किसी दीवाने का ही काम हो सकता है। मैं इस वक्त सितारे अदब जनाब फजल रहमान अंसारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और रस्म शुक्रिया अदा फरमाएं। जनाब फजल रहमान अंसारी साहब का जोरदार इस्तकबाल होना चाहिए कि सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। जनाब फजल रहमान अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये महफिल जो वसीम आर खान साहब के जन्मदिन पे मुनक्किद की गई, ये प्रोग्राम हम बहुत बड़ा करने वाले थे एक ऑडिटोरियम में, लेकिन हमारे वसीम खान साहब ने कहा कि मैं जो हूँ एक सादगी के साथ में अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। तो ये इनका बड़कपन है वसीम खान साहब का और हाजी अकील साहब का। हाजी अकील साहब और वसीम खान ने कहा कि नहीं, हम जो है अपने घर पर ही जो इस प्रोग्राम को मुनक्किद करना चाहते हैं और मेहमानों को अपने घर पर ही जो इस्तकबाल उनका करना चाहते हैं। मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। इतनी कम उम्र में इन्होंने, वसीम आर खान साहब ने, इनको हमारे बड़े सीनियर हाजी अकील साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आज तक वसीम खान साहब और मेरे सर पे इनका हाथ है, साया है इनका, हमारे हर मुश्किल घड़ी में हमको गाइड करते हैं हाजी अकील साहब। मैं और वसीम खान साहब हाजी अकील साहब की टीम में थे। वसीम खान साहब ने अपनी ईमानदारी और इतनी मेहनत की कि अल्लाह ताला ने इनको, वसीम खान साहब को वक्फ काउंसिल डेवलपमेंट ऑल इंडिया भारत सरकार में इनको उसका चेयरमैन बनाया, जो कि इन्होंने उस पद को बाखूबी निभाया ईमानदारी से अपनी। जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी है हिंदुस्तान में, अगर जो वो सबको सब प्रॉपर्टी अगर जो मिल जाए तो मुसलमान एक भी जो गरीब नहीं रहेगा, लेकिन उसमें इन्होंने इतनी ईमानदारी के साथ, मैं खुद इनके साथ दो तीन दौरों पर मैं भी रहा, ये चाहते तो बहुत कुछ कर लेते लेकिन इनकी ईमानदारी का ये सबूत है कि इनको ख्वाजा गरीब नवाज जो हमारे उसके भी ट्रस्टी इनको बनाया गया, दरगाह कमेटी के ट्रस्टी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है जिसमें पूरी दुनिया से लोग बाग हमारे यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आते हैं, उनका इनको ट्रस्टी बनाया गया। वक्फ बोर्ड का इनको जो है मेंबर बनाया गया, पांच पांच कमेटी इनको दी और 7 साल से कंटिन्यू बॉम्बे के अध्यक्ष हैं। तो जबकि कोई भी आज तक का रिकॉर्ड है कि 3 साल तक ही अध्यक्ष रहता है, लेकिन इनकी मेहनत इतनी है कि इनको कंटिन्यू 7 साल से ये अभी तक ये मुंबई के अध्यक्ष हैं। और इन्होंने जो है रामपुर का दौरा में इनके साथ में किया, उसके बाद जो
रायपुर सादात है जहाँ पर विदेश से भी सिया समाज के लोग आते हैं, उस दरगाह के भी इन्होंने वहाँ पे ईमानदारी से वो किया। जबकि लोग बाग पैसा लेकर के आते थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये मेरे खून में कुछ है ही नहीं, मैं ईमानदारी से हूँ, मेरा परिवार आज तक ईमानदार रहा, ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं, तो पार्टी भी इन्हें आगे लेकर के चल रही है, हम भी इनके साथ में हैं। तो मैं इनके इस जन्मदिन में, ये आज ही की बात है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, आलम भाई ने भी कहा कि वे नहीं प्रोग्राम आपका बड़ा करेंगे, लेकिन ये बोले नहीं कि बिल्कुल घर पे ही मैं रहूंगा, आज कहीं जाऊंगा भी नहीं, इनको जबकि बहुत खून आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, मेरे पास खुद आ रहे हैं, दादा राज कार्यालय में भी इनको बुलाया था, नहीं गए ये। और अपना देखो रसीद जो है हमारे कपाटिया जिला अध्यक्ष हैं बॉम्बे के, वो भी खुद चल कर ही आ रहे हैं, उन्होंने भी वहाँ पे इंतजाम किया था, इन्होंने आज जो है ना सारे अपने जन्मदिन के वो कैंसिल कर लिए, बोले नहीं मैं सादगी के साथ मनाना चाहता हूँ। तो मैं आप सभी शोरा हजरात का शुक्रिया अदा, वसीम भाई की तरफ से भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो भी दूर दराज से हमारे सुनने वाले सामाईन, मैं सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी एक छोटी सी दावत पर आप लोग सब आए और आपने काफी वक्त दिया, और शोरा हजरात को बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ आप लोगों ने सुना। मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। इसी के साथ मैं वसीम खान साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इनके साथ में जो आजकल काम कर रहे हैं, कैसे ईमानदार युवा नेता के साथ में मैं हूं, और ये इनकी मेहनत इतनी है कि ये तीन तीन दिन क्या 15-15 दिन तक घर नहीं आते, कभी मालूम पड़ा हम बहुत फोन करेंगे तो आज केरला में है, बोले कि अभी वहीं रात की फ्लाइट से दिल्ली चले गए, दिल्ली की मीटिंग अटेंड करी तो चेन्नई आ गए, चेन्नई से बोले तो हैदराबाद आ गए। तो मैं इनकी मेहनत को सलाम करता हूं, और हमारे सामने हमारे बहन खड़ी है तो वो भी उनको भी सलाम है कि भाई इनका साथ दे रही है कि जो ये आज उसी से जो कौम की खिदमत इनके एक इनका कहना है कि मैं कैसे हिंदू मुसलमान सबका कैसे काम कर सकूं। मैं वसीम भाई के लिए एक शेर, जब भी मिलते हैं मुस्कुराते हैं, इतनी खुशियां कहां से लाते हैं, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ दुआ कीजिए, प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। एक बार जोरदार तालियां वसीम भाई के लिए, उनके जन्मदिन के लिए, कि हम ऐसे वसीम खान साहब के दोस्त हैं, उनके साथ में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अस्सलाम वालेकुम।